पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से उनके सेहत के बारे में पूछा। फिर पीएम मोदी ने शरीफ से उनकी माँ और परिवार के बाकी लोगों के बारे में बातचीत की। हालांकि इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरीफ एक दूसरे से काफी दूर बैठे रहे। प्रधानमंत्री मोदी की नवाज शरीफ से 2015 के बाद ये पहली मुलाकात थी। 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त अचानक नवाज शरीफ के घर लाहौर जा पहुंचे थे। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका में एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी राजदूत एजाज अहमद चौधरी अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक चर्चा में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं है, वहां बैठे लोग हंसने लगे। लोगों की हंसी से एजाज अहमद चौधरी असहज हो गए और यहां तक कह दिया, इसमें हंसने वाली क्या बात है। वहीं इस चर्चा में मौजूद अमेरिका के पूर्व राजनयिक जलमय खलीलजाद ने चौधरी को आईना दिखाया और कहा कि पाकिस्तान में मुल्ला उमर के रहने के पुख्ता सबूत हैं और आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय तक तो पाकिस्तान इस बात से भी इनकार करता रहा कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में नहीं है। ब्रिटेन के मध्यावधि चुनाव में प्रधानमंत्री थेरेसा मे को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वोटिंग के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल से संकेत मिले हैं कि ब्रिटेन में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 314 सीटों और लेबर पार्टी 266 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। संसद त्रिशंकु हो सकती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। कुछ इलाकों में धारा 144 लागू है। इस बीच किसानों ने एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। भोपाल इंदौर हाईवे पर किसानों ने दर्जनों बसें फूंक दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी जला दिया। मंदसौर में इंटरनेट सर्विस पर भी पाबंदी लगाई गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मंदसौर में मारे गए किसानों के घर वालों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को भूल गई है और सिर्फ कुछ अमीरों की मददगार है। जब बॉर्डर पे जवान मरता है, जब उसको गोली लगती है, उसकी इज्जत की जाती है, उसकी इज्जत करते हैं, और जब किसान मरता है उसकी इज्जत नहीं की जाती। इसलिए मैं आपके पास खड़ा होने के लिए आया हूं। इस बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में हिंसा फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जीजेएम यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां चलाई। दार्जिलिंग में सेना की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए शिवसेना ने एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए मोहन भागवत से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है और शिवसेना अंत तक भागवत के नाम की सिफारिश करती रहेगी। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो राष्ट्रपति भवन में मोहन राव जी भागवत जैसे नेता को बिठाना चाहिए, वो तो राष्ट्रपति, तो हमारा एजेंडा पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में 7 आतंकी मारे गए हैं। माछिल, गुरेज, नौगाम और उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया। नौगाम सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए। गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और भारत के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान की इस कायराना जो उनकी हरकतें हैं उसको कभी स्वीकार नहीं करते और उनको करारा जवाब दिया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चे पर यानी चीन, पाकिस्तान और देश के अंदरूनी दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। कश्मीर के मसले पर बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहकाने की कोशिश करता है और इसमें कुछ स्थानीय लोगों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर में हालात जल्द ही सुधरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में श्रीलंका ने बड़ा उलटफेर करते हुए भारत को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में श्रीलंका को जीत के लिए
322 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 48 ओवर में 4 गेंद में ही हासिल कर लिया। श्रीलंका के कुशल मेंडिस को उनकी शानदार बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बेहतरीन बैटिंग के बाद इस मैच में भारत की बॉलिंग बेहद खराब रही और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ही एक विकेट ले सके, जिसकी वजह से टीम इंडिया को यह मैच हारना पड़ा। इस हार के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया को अब 11 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला मैच हर हाल में जीतना होगा। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने डीजी यात्रा योजना लॉन्च की है। इसके तहत यात्रियों को डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अंगूठे के निशान से यात्री की पहचान होगी। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि इसके लिए एयर टिकट के पीएनआर को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा।